नागपुर के जाफरनगर इलाके में घनी बस्ती के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर की चल रही कालाबाजारी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने एक ऑटो चालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2,10,000 का माल जब्त किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपराध शाखा पुलिस की यूनिट 2 को 30 नवंबर को गुप्त सूचना मिली कि गांधी लेआउट जाफरनगर स्थित घनी बस्ती में आरोपी शेख इरफान शेख यूसुफ प्लॉट नंबर 54B गांधी लेआउट जाफरनगर नागपुर और अब्दुल आमिर अब्दुल मतीन प्लॉट नंबर 60 रोज कॉलोनी श्याम लॉन के पास काटोल रोड नागपुर निवासी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हैं। ये दोनों आरोपी घरेलू गैस सिलेंडर से गैस निकालकर उसे CNG गैस किट वाले वाहनों में भरते हैं। ये खुद के आर्थिक फायदे के लिए पूरी बस्ती की जान खतरे में डाल रहे हैं। यूनिट 2 ने मंगलवार को दोपहर में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान आरोपी शेख इरफान और अब्दुल आमिर घरेलू गैस सिलेंडर की गैस ऑटो चालक पंकज गुलाबचंद सिरिया गवलीपुरा सीमेंट रोड नागपुर निवासी के 3 पहिया ऑटो में पंप मशीन की मदद से भरते हुए मिले। पुलिस ने तीनों आरोपियों को धरदबोचा। आरोपियों से 3 नग गैस सिलेंडर, पंप मशीन, 3 पहिया ऑटो जब्त किया गया। आरोपियों पर गिट्टी खदान थाने में धारा 283, 285, 336, 34 सहधारा 3-7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपराध शाखा पुलिस विभाग के अपर पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी, उपायुक्त चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। ऑटो मध्ये हा गॅस भरताना याला आम्ही रंगात पकडला। याच्या सिस्टीम मध्ये असं होतं की हा घराच्या कंपाऊंडवालला त्यांनी छिद्र पाडलेला होता, तिथून त्यांनी पाईप बाहेर टाकला होता। आतमध्ये हा मशीन आणि सिलेंडर लावायचा आणि बाहेर रोडवरती ऑटो किंवा जे फोर व्हीलर आहे ज्या ठिकाणी यांना गॅस भरायचा आहे ते उभे राहायचे। त्यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना कधी शंका येत नव्हती की इथं काय सुरू आहे, आणि त्या प्रकारे हा गॅस त्या ठिकाणी भरत होता। असा अवैधरित्या गॅस भरताना आम्हाला मिळून आला, त्यावरून आम्ही याला मदत करणारा अब्दुल आमिर अब्दुल मतीन सज एक ऑटो चालक पंकज सिरोया यास आम्ही रंगात पकडला आणि 2,10,000 चा मुद्देमाल यांच्याकडून जप्त केला। सध्या गुन्हा दाखल